हाँ दोस्तों, कैसे भाई, एक और नए BSNL के अपडेट के साथ। तो भाई आप लोग यार कभी भी यार मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ भाई, तो आप लोग यही सोचते भाई कोई BSNL का अपडेट से ही होगा भाई जो भाई ने ले गया। नहीं मेरे भाई, हरदम BSNL का अपडेट नहीं होगा, लेकिन भाई इस बार मैं एक BSNL का शानदार अपडेट लेके आया हूँ भाई। तो यार आपको BSNL का अपडेट का इंतजार रहता है, और हमें भाई BSNL कहाँ काम चल रहा है भाई और कैसे चल रहा है भाई, BSNL का कितना टावर को इंस्टॉल किया गया पूरे इंडिया में। तो मेरे भाई इसी अपडेट से बात करें, BSNL का एक बेहतरीन अपडेट आ चुका है। आप सब जितने भी BSNL यूजर है सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप BSNL यूजर नहीं हो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज नहीं तो कल नहीं तो भाई आने वाले समय में आप ही BSNL का सिम यूज करोगे। तो भाई आपके ऊपर ये भी डेडिकेटेड से वीडियो भी बना दिया पहले से भाई। आप जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा आपको लिंक मिल जाएगा हर वीडियो को भाई, जाके वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हो कि आपको BSNL सिम लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, पहले से बना दिया, लेकिन हाँ कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके भी ऊपर, लेकिन फिर बनाऊंगा तो बाद में बात कर। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ टॉपिक और कि भाई BSNL के 50,000 टावर को इंस्टॉल कर दिया। क्या आपने सही सुना? जी हाँ, BSNL के 50,000 टावर को इंस्टॉल कर दिया इंडिया में। अब भाई आप लोग ये कमेंट करो भाई कि BSNL का टावर तो यार इंस्टॉल किया जा रहा है, यानी कि लगाया जा रहा है, लेकिन भाई 50,000 टावर आखिर बहुत होता है भाई। कहाँ पे 50,000 टावर को इंस्टॉल किया गया? शायद आपको पता है इंडिया कितना बड़ी कंट्री है, कितना बड़ा देश है, आप लोग को भी पता होगा। तो भाई यानी कि एक BSNL जो ऐसा कंपनी है भाई, जितना हो सके उतने तेजी से वो अपना काम कर रहा है भाई। जैसे इसका काम जिस रफ्तार में शुरू हुआ था उसी रफ्तार में इसका काम चल रहा है, ये तो आपको शायद पता भी होगा। नहीं पता तो भाई समझ लो, जितनी रफ्तार से उसका काम शुरू हुआ था लगभग लगभग उतनी ही रफ्तार से उसका काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग कमेंट्स करें भाई, जो टावर इंस्टॉल किया जा रहा है, जो टावर लगाया जा रहा है भाई, कहाँ पे लगाया जा रहा है भाई? हमारे एरिया में भाई अभी तक तो 4G का नाम ही निशान नहीं सो हुआ भाई, वहां पर भी 4G का नाम ही निशान नहीं सो रहा भाई, कहाँ पे आखिर टावर को लगाया जा रहा है? तो भाई यार भारत भाई बहुत बड़ा कंट्री है भाई, मेरे भी आप लोग को पता होगा। तो भाई 50,000 टावर पे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन BSNL ने 1,00,000 टावर का डिमांड्स किया है। 1,00,000 टावर में कम नहीं होने वाला मेरे भाई। जो भाई 1,00,000 नहीं 2,00,000 अगर टावर लगता है इंडिया में पूरे, तो भाई हर एक एरिया में आपको BSNL का 4G देखने को मिलेगा। और हाँ भाई, आपके एरिया में BSNL का 4G कैसे चलता है, क्या आपकी भी एरिया में BSNL का 4G इंटरनेट चलता है भाई? देखो बहुत सारे मेरे पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए थे, जो भाई अच्छा खासा आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट किया था भाई, उसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे भाई हमारे भी एरिया में BSNL का 4G अब सही से चल रहा है, पहले से काफी ज्यादा सही हुआ भाई। और कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे भाई BSNL का H+ चलता है, 3G चलता है भाई, 4G कब आएगा? बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं। तो एक्चुअली में दोस्तों क्या हो रहा है, जहां जहां पे लग रहा है वहां वहां के लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो भाई वो ये कमेंट्स कर रहे हैं भाई कि हाँ सही से चल रहा है BSNL, ठीक है भाई। उनके एरिया में भाई BSNL का 4G तो लग चुका है भाई। आपके एरिया में BSNL अगर 4G चल रहा है तो आप खुद किस्मत वाले हो मेरे भाई, आप बहुत किस्मत वाले हो। देखो दोस्तों भाई, रिचार्ज जो इतना महंगा है भाई, इतना हाई है जियो वोडाफोन एयरटेल के भाई, तो भाई कहीं ना कहीं बात करें BSNL का, उसका जो रिचार्ज बहुत सस्ता है, जियो एयरटेल वोडाफोन से रिचार्ज बहुत सस्ता है भाई BSNL का। इसलिए भाई BSNL को आप लोग सपोर्ट करोगे, जितना आप लोग BSNL को सपोर्ट करोगे भाई, उतना ही आने वाले समय में कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी BSNL का सिम यूज करने वाले हो, ये मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आने वाले समय में आप लोग बिल्कुल BSNL का सिम यूज करेंगे भाई, ये 100% मैं गारंटी करता हूँ। इसलिए कहता हूँ BSNL को अभी से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं कर रहे हो। जितना आप BSNL को सपोर्ट करोगे भाई, उतना आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है आने वाले समय। इसलिए बोलता हूँ भाई, आप तेरे में BSNL का इंटरनेट सर्विस कैसा चल रहा है, यानी कि 4G 3G H+ कैसे चल रहा है, और कहाँ से, इस पर एक कमेंट्स करना ताकि हमको ये अपडेट्स मिल सके कि हाँ भी आपके भी एरिया में BSNL का 4G आएगा। और भाई सुनाई देता है कि यूपी में भी एक मेरा कमेंट्स आया था, यूपी में भाई BSNL का 4G आ चुका है, लेकिन कहाँ पे आया? मैं रिसर्च जरूर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा यूपी में आकर BSNL कब तक आएगा। और भाई मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।